हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं दोस्तों आप लोग, कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों साइंस के काफ़ी मोस्टली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपका साइंस में फिजिक्स है यानी कि भौतिकी। दोस्तों आप लोगों ने में से कई स्टूडेंट बोले थे कि सर साइंस का केस बनाइए सब्जेक्टिव, तो काफ़ी मेहनत लगा बनाने में, सभी का आंसर लिखने में, क्योंकि आंसर आज की इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी दिया जाएगा और आपको जो है आंसर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ काफ़ी शॉर्टली तरीके से मैंने आपके लिए आंसर छाटा है, काफ़ी दिन लगा है, मेहनत लगा है आप लोगों के लिए गेस बनाने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को एंड तक देखो। अगर आप 2020 की मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आइए साथ ही साथ हम पहले कुछ कवर कर लेते हैं। देखिए आपके साथ आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको मैं क्वेश्चन भी बताऊँगा साथ ही साथ आंसर भी दूंगा, ठीक है? और आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। टोटल रहेगा 31 क्वेश्चन, जिनमें से 90% आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, पक्का आप वीडियो को एंड तक देखना अगर ये क्वेश्चन आपको चाहिए तब। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे आपके क्वेश्चन और आंसर आपके हाजिर है, यहाँ आपके आंसर हाजिर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीवाश्म में ईंधन की क्या हानियाँ हैं, आपके यहाँ आंसर हानि है, ठीक है। उसके बाद हमारा कह रहा है, अगला 3 नंबर सवाल है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए, आपके सामने यहाँ पर आंसर हाजिर है, ठीक है। तो सभी को याद करने ना काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत लगाया हूँ, मेहनत किया हूँ। 3 नंबर सवाल है, हीरा का अपूर्णांक 2.42 है, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और 2019 के पेपर में भी आ चुका है, और आपको इसको याद करना बेहद ज़रूरी है। अगला हमारा कहता है, स्पेक्ट्रम क्या है? काफ़ी शॉर्ट तरीके से मैंने आपको आंसर भी यहाँ पर लिखा, यहां आप पढ़ लेना अच्छे से, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, बस आप वीडियो को एंड तक देखना। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? काफी मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी बीबीआई क्वेश्चन 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चल आए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाहम नियम के लिखे, देखिए फ्लेमिंग के बाहम नियम के लिखने का तरीका आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिए, काफी सौ तरीके से मैंने इसको छाटा हूं, 6 लाइन में आंसर दिया हूँ, ठीक है। फ्लेमिंग के बाहम नियम को लिखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ये 8 नंबर सवाल है, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 9 नंबर सवाल कहता है, हमारा विद्युत स्टोट्रो तथा स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु को बनाए जाते हैं, क्यों? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और अगर हमें कुछ भी पढ़ने में गड़बड़ी हो रही तो माफ़ कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही हड़बड़ी में बन रही है आपको गैस देने के चक्कर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाला हर एक कूलाम्ब आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, ये देखिए काफ़ी शॉर्टली तरीके से मैं आपको यहाँ पर आंसर लेकर आया हूँ, और आपके पास जो है तो वो याद करिए, वो भी ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पास या दृश्य दर्पण के रूप में परिवर्तित क्यों करते हैं? मतलब दोस्तों कि हम वाहनों के जो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, मतलब इसी तरीके से आपका आंसर पूछेगा, ठीक है, आपको जो है लेकिन पढ़ लेना अच्छे से दोस्तों, ठीक है। 13 नंबर सवाल है, नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और 19 के बोर्ड एग्जाम में भी आए होंगे शायद। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर के निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, तो देखिए इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो मेहनत लगी है अगर मैं पूरा काफ़ी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ध्यान से यहाँ पर समझना पड़ेगा, और अगर आप अकलमंद हो तो समझना, वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। देखिए अगर मैं पूरे का क्वेश्चन का आंसर लिख लेता तो आपके पास समय बिल्कुल कम बचता, कम से कम मतलब जब एग्ज़ाम होने वाली थी उस समय पूरा कंप्लीट होता, लेकिन मैं आपको सोच रहा कि दो दिन पहले मैं आपको दे दूं, आप जिसका आंसर मैं नहीं लिखा हूं उसका आंसर शायद आपको पता हो, या आप किसी से जानकारी ले लो, आपको याद कर लो, ठीक है। तो आप किसी से भी हेल्प ले लो, इस किसी का सवाल का आंसर नहीं दिया हूँ, वक्त काफ़ी कम है और आपको याद करना काफ़ी ज़्यादा है, और अभी केमिस्ट्री बायो का भी वीडियो आएगा, आप सभी को देखना, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला तथा अपेक्षा काला प्रतीत क्यों होता है? ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं,
तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, एक घंटा में 50 वोल्ट विभवांतर से 9600 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित होती है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर पूरे तरीके से सिद्ध किया गया है, तो आप एक बार रिविजन कर लेना, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत लैंपों की तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्यों? ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या कहता है, विद्युत संचारण के लिए कॉपर तथा एल्युमिनियम का प्रयोग होता है क्यों? काफ़ी मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है। हाँ, स्पेस छोड़ गया हूँ लेकिन आंसर नहीं लिखा हूँ। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखा खिंचाएं, ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर सवाल है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धार्थ है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मुझसे जो जुड़ा वो मैं आपको दे दिया हूँ, आप नाराज ना होना, ठीक है। आपको जो है जो भी अगर परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित रेखा कार्य और सिद्धांत का निर्माण करें। आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर आप लेट में भी दे रहे हो, आपको आपका क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता है, लेकिन आप टेंशन मत लेना, आपको बहुत सारा भी क्वेश्चन रहेगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री भी रहेगा और अभी आपका सोशल साइंस का भी आने वाली है, ठीक है। धीरे धीरे ओम के नियम को लिखे और इसे कैसे स्थापित किया जाता है, इस वीडियो में काफ़ी प्यार दीजिए। अगला क्वेश्चन लाऊंगा तो काफ़ी खुशी होगी बनाने में। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण क्या है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी आ सकते हैं या प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके ट्यूशन में ये स्टडी नहीं हुआ तो याद कर लीजिए। जीवाश्म ईंधन और सूर्य में अंतर बताएं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मानव नेत्र का सचित्र बनाकर बनाइए। देखिए ये मानव नेत्र का आ गया है, आँख बनाने का है, इस भी ये भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, ए मीटर और वोल्ट मीटर के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी और समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? आप जानते होंगे ना क्यों जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी कम संयोजन क्यों नहीं किया जाता है? ये भी काफ़ी मोस्टली इंपॉर्टेंट है। और आपका 30 नंबर सवाल है, एच बराबर टी स्क्वायर आर टी निगमन करें। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको निगमन कर लेना है, और अगर इसका आंसर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए दोस्तों, आपको मैं आंसर मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, काफ़ी बिजी रहता हूँ, सभी का कॉल नहीं उठा रहा हूँ, आपको लिखने में मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है। तो अभी जो है आपसे जो है, आप ट्यूशन अगर जाते हो तो इसका आंसर प्लीज़ उससे ले लिया करो, ठीक है। हेल्प करके थोड़ा सा मिस्टेक करके आप इसे ले लिया करो, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, 31 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। तो हमारा 31 नंबर सवाल हो चुका है कवर दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे लिए तो गिस बनाने का था तो मैंने गिस बनाकर आपको दे दिया हूँ, और साथ ही साथ जितना क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था, मतलब पता नहीं था, सभी का तो पता है, लेकिन जितना हमसे हो पाया है, जितना समय कम था, जितना बच गया है, उसी के टाइम से रिलेटेड मैंने आपको आंसर भी दे दिया हूँ। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुश हैं, और इसी खुशी के साथ साथ आप जो है मुझे इस वीडियो में काफ़ी प्यार दीजिए, ठीक है। और प्यार देने के साथ साथ आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और आप वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी अगले वीडियो हमारा गेस आएगा तो आपको जल्दी से मिल सकेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा। तो आप जाइए जल्दी से एकदम टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, आपको समय बिल्कुल कम है। आपको अगर एक ही ऐप को डाउनलोड करना है, आपको ज़्यादा MB 50 से ही नीचे MB का है, आप पहले मोबाइल को खोलिए। मोबाइल को खोलने के बाद प्ले स्टोर को खोलिए, ठीक है। प्ले स्टोर को खोल लेते हैं, पहले हम रूट को बंद कर देते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर को मैंने खोल लिया, उसमें आपको सर्च करना है टेलीग्राम ऐप, TELE, देखिए मेरे ऊपर आ चुका है, ये टेलीग्राम का मीनिंग, ठीक है। इस पर मैं क्लिक किया हूँ तो फ्रंट पेज आ जाएगा, ये टेलीग्राम का रियल ऐप है, ठीक है, टेलीग्राम का रियल ऐप है, और ये जो है बिल्कुल नकली है। इसमें आपको क्या करना है, चल जाना है और इसको जाकर इंस्टॉल कर लेना है। मेरा इंस्टॉल होया हुआ है, अपडेट मांग रहा है, तो ठीक है, तो आप जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप को खोलिएगा, ठीक है, टेलीग्राम ऐप को खोलिएगा, उसमें आपको नंबर मांगेगा, जो मांगिएगा आप उसको चालू कर लेना। चालू करने के बाद आपको सर्च करना है कैपिटल में A, बड़ा में A, फिर बड़ा में A, बाकी सब ऑनलाइन छोटा में और सॉल्यूशन भी छोटा में, और लास्ट में सर्च कर देना है इस तरीके से। देखिए
छोटा छोटा दे दिया है और यहाँ बीच में दे देंगे कैपिटल में पीडीएफ, ये देखिए इस प्रकार। और आपका ये वाला आ जाएगा पीला कलर का पीडीएफ, आपको दिख रहा ना स्क्रीन के सामने ये, इस पर आपको क्या करना है चल जाना है। और जाने के बाद आपको देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, जो आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखे होंगे, ठीक है। और इसमें टोटल 600-700 लोग टोटल जुड़ चुके होंगे, ठीक है। तो शायद हो जाएंगे ये 668 लोग हैं, तो दो दिन बाद तीन दिन बाद इसमें काफ़ी लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन आपको डाला हुआ रहेगा, जाकर जल्दी से एकदम डाउनलोड कर लो और स्टडी एकदम बहुत बेहतर से करो दोस्तों, ठीक है। स्टडी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में बोलना। चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं दोस्तों, थैंक यू, दैट्स ऑल।